नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय सेठी है। मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और रुद्राक्ष कंसल्टेंट हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2022 के लिए कौन उत्सुक है? मैं निश्चित रूप से हूँ। यह जानने के लिए कि यह वर्ष हमारे लिए क्या मायने रखता है और हम इस वर्ष को कैसे बेहतर बना सकते हैं, देखते रहें। नए साल के आगमन के साथ हर व्यक्ति में नई इच्छाएं, उत्साह और आशाएं होती हैं। हर कोई अपने तरीके से कुछ नया करना चाहता है। इसके साथ ही मन में यह भी क्यूरियोसिटी रहती है कि आने वाले साल में उन्हें किस तरह की खुशियां या चुनौतियां मिलने वाली हैं। हम अपने स्वास्थ्य, करियर, रिश्तों और धर्म आध्यात्मिकता के संबंध में अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हम खुद से संकल्प लेते हैं, जिनमें से कुछ इसे कुछ हद तक करते भी हैं। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया को कोरोना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में 2022 से सभी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि यह साल हर लिहाज से शुभ हो। इसके लिए हम न्यूमरोलॉजी से अच्छी मदद ले सकते हैं। किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए साल कुछ इस प्रकार रहेगा। इस अंक का स्वामी सूर्य है। अगर आप किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं। इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, इसलिए हमें किसी से किया गया वादा पूरा करना चाहिए। यह बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, इसलिए यह अपने काम में भी सफल होते हैं। वर्ष 2022 में इनका कारोबार अच्छी तरह से बढ़ेगा। अपनी मेहनत से कुछ नया करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। जो लोग होटल, ट्रांसपोर्ट, रेडियो, टीवी आदि से जुड़े हैं, उन्हें अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें साल के शुरुआती महीनों में ही प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। अगर आप वाहन या घर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह साल बहुत अच्छा है। फरवरी और मार्च में यात्रा की संभावनाएं रहेंगी। जो विवाह के योग हैं, उनके विवाह की संभावना भी है। आपको अपने खान पान का खास ख्याल रखने की जरूरत है। अधिक पानी पीना चाहिए, किसी के साथ बेवजह ना उलझे, तर्क वितर्क से बचे। बेहतर होगा कि आप रात को सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लें। शुभ फल पाने के लिए उगते सूर्य को जल अर्पित करें और प्रतिदिन सूर्य की पूजा करें। प्रतिदिन अपने पिता या अपने से वरिष्ठ व्यक्ति के चरण स्पर्श करें और उनका सम्मान करें। किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का साल कुछ इस प्रकार से रहेगा। इस अंक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ऐसे लोगों पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये लोग कल्पनाशील, स्नेही और कलात्मक होते हैं। जैसे चंद्रमा का आकार घटता रहता है, वैसे ही उनका मूड भी घटता जाता है। उनकी योजनाएं भी बदलती रहती हैं। अगर ये लोग अपनी भावुकता पर काबू पा लेते हैं तो ये जीवन में सफल होते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन शुभ होता है। वर्ष 2022 में आप अधिक सकारात्मक रहेंगे, जिससे जीवन में नया जोश आएगा और आपको अपनी कलात्मकता प्रदर्शित करने के लिए अवसर प्राप्त होते होंगे। वर्ष 2022 में
आप अधिक सकारात्मक रहेंगे, जिससे जीवन में नया जोश आएगा और आपको अपनी कलात्मकता प्रदर्शित करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। इस वर्ष आपको अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रैक्टिकल रहना होगा, तभी आपको कार्य में सफलता मिलेगी। कोई भी नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें और जरूरी दस्तावेज को पढ़कर ही हस्ताक्षर करें, अगर आप पूरे आश्वस्त हैं तो ही। साल 2022 नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रमोशन वाला रहेगा। इस वर्ष यदि आप अपने घर का नवीनीकरण कराने की सोच रहे हैं तो अप्रैल के बाद का समय इसके लिए शुभ है। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी और आप मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। इस वर्ष शेयर बाजार आदि जोखिम भरे निवेशों से अवश्य बचें। शुभ फल प्राप्त करने के लिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा के दर्शन कर माता के चरण स्पर्श करें। सोमवार के दिन शिव को जल अर्पित करें। किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का साल कुछ इस प्रकार रहेगा। इस अंक का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। इन लोगों पर बृहस्पति का विशेष प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर ऐसे लोग अनुशासित होते हैं, वह बहुत महत्वाकांक्षी हैं। उन्हें शिक्षा, अध्ययन, बौद्धिक स्तर के कार्य और धार्मिक कार्यों के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां और प्रसिद्धि मिलती है। ये लोग मानसिक रूप से संतुलित और विकसित होते हैं। वर्ष 2022 में साइकिक नंबर 3 के व्यक्तियों को अपनी रचनात्मकता और ज्ञान से प्रसिद्धि मिलने की संभावना है। मनचाहा काम पूरा होने से आपके सभी सपने साकार होंगे। नौकरी में प्रमोशन के अवसर साल के शुरुआती महीनों में ही मिलेंगे। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से आपको तरक्की मिलेगी। सहकर्मियों के साथ वाद विवाद से बचें। इस साल आप कुछ नया सीखने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। घर या वाहन खरीदने के लिए समय अच्छा है। अप्रैल के महीने से पहले शेयर आदि जोखिम भरे निवेशों में कुछ पैसा लगाया जा सकता है। रिश्तों में समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है, अन्यथा अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। वसायुक्त भोजन कम करें, फल और सलाद अधिक खाएं। शुभ फल पाने के लिए नित्य व्यायाम करें और नशीले पदार्थों आदि से दूर रहें। प्रतिदिन उगते सूर्य की आराधना करें। अपने अगले वीडियो में हम साइकिक नंबर 4, 5 और 6 वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। गॉड ब्लेस।